दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों ये हमारे पास इंडक्शन की बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं इसके आगे और पीछे एकदम फ्रेश बोर्ड है, अनटच है। अभी तक इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हो रखी है, कभी ख़राब नहीं हो रखा है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं कोई छेड़खानी नहीं हो रखी है, कुछ नहीं हो रखा है। मैंने भी सिर्फ खोल के ये रखा ही है, जस्ट ये कहीं कोई छेड़खानी नहीं हो रखी है इसमें। आप देख सकते हैं पूरा अनटच है, फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बार ये खुला हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पर न्यू हैं और ये मेरी आज की जो वीडियो है इंडक्शन के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी, नए जो हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं इलेक्ट्रॉनिक सीख रहे हैं, फ्रेश हैं, कुछ कुछ आता है कुछ कुछ नहीं आता है या बिल्कुल नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो मैं इसमें काफ़ी कुछ बताऊंगा ऐसे जो आपसे छूट गया हो सीखने से, तो इसमें वीडियो में बने रहें तो आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप जानते भी हैं तब भी बने रहें, तब भी कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए और आपको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको भी मेरे नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें। तो हम ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करके वीडियो की तरफ आते हैं। पहले मैं इस पर आपको ऊपर से दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं ये आपको मैं सबसे पहले एकदम जीरो लेवल से बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी बन सकती है, वीडियो में बने रहें। तो इस पर देख सकते हैं जीरो लेवल से अगर आप इसको जब स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं इसमें कुछ सेक्शनों की बात कर लूँ कि हमारे मोटे मोटे तौर पर जो सेक्शन होते हैं वो कितने होते हैं। तो दोस्तों जो ये आप देख सकते हैं ये वाली पिन है, ये इस पिन से हम इसको सीधा काट दें ऐसे, इस पिन से ऐसे हम सीधा काट दें तो हमारे दो सेक्शन बनते हैं, एक ये सेक्शन बनता है एक ये सेक्शन बनता है। इधर से हम दो काट दें, ये सेक्शन बनता है एक ये सेक्शन बनता है। अब ये सोचो कि ये सेक्शन काम क्या करता है। जो हमारा इधर का सेक्शन है ये हमारा स्विचिंग के काम का सेक्शन बोलते हैं इसे। ये हमारा जो सेक्शन है वो स्विचिंग के काम का सेक्शन है। जो ये हमारी कॉइल है ये आप देख सकते हैं, ये इस पर मैग्नेटिक फील्ड करके जो भी हम इसमें बर्तन रखते हैं उस पर हीटिंग जनरेट करता है। इधर का सेक्शन उस काम में आता है, बाकी मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे वर्क करता है ये। फिलहाल आप मोटा मोटा एक नॉलेज के लिए वो बता देता हूँ। तो ये सेक्शन हो गया, इस सेक्शन में जो मोस्ट है ये आपके कैपेसिटर है, कॉइल के टर्मिनल हैं, ये हमारा ब्रिज हो गया, ये IGBT हो गया, ये कॉइल लगा है। तो कुछ ये क्या है इसके जो मोस्टली वर्किंग है वो इन लोगों की है इस वाले सेक्शन पे। अब हम दूसरी बात करते हैं इस तरफ वाले सेक्शन की, अब हम इस तरफ वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो इस वाले सेक्शन का काम ये होता है, इसमें भी हमारे अब दो सेक्शन होते हैं, पहले आप ये जान लें। अगर हम देख लें कि इस वाले कैपेसिटर को लेके और इस वाले ट्रांसफार्म को आधा, ये हमारा इतना एरिया हमारा पूरा एक सेक्शन कहलाएगा, वो भी ये हॉट सेक्शन हो गया, ये हमारा कोल्ड सेक्शन हो गया। जो भी हमारी पावर सप्लाई होती है LED LCD RO हमारा जो भी होती है पावर सप्लाई जिसमें हमें DC वोल्टेज की ज़रूरत होती है, लेकिन प्राइमरी सेक्शन में हमारा पावर सप्लाई लगा होता है LCD LED या हमारा जो CRT TV होता है, उस तरीके का ये सेक्शन मान लो इसे। जो हमारा ये पूरा सेक्शन है इसमें भी हमारे दो सेक्शन हैं, यहाँ से ले लो ये आधा ट्रांसफार्म, ये हमारी स्विचिंग IC इनबिल्ट MOSFET के साथ एक वर्क करती है इस वाले को, और इसके बाद जो बचा हुआ सेक्शन है ये आधा ट्रांसफार्म, ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन हो गया इस पूरे वाले के लिए सेकेंडरी सेक्शन हो गया। तो हमारे तीन सेक्शन हो गए फिलहाल, वैसे दो सेक्शन हुआ, एक ये टोटल तीन हो गए। अब एक ये इधर से इधर का ऊपर का, ये दूसरा ये इधर का तीसरा।
तो हम डिटेल से अब एक एक सेक्शन के बारे में देखेंगे कैसे कैसे वर्क करता है, तो उस वजह से क्या होगा हमारे जो भी समझने की वो होगी इंडक्शन में आपकी बहुत ही बेहतरीन होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसके टर्मिनल खोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार इसको घुमाते रहना पड़ रहा है, इस चक्कर से इसके टर्मिनल ये टूट सकते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर दूँ कॉइल को, क्योंकि इसको पलटने उलटने में क्या होगा कि इसके टर्मिनल टूट सकते हैं। ये कॉइल में भी मैं आपको बता दूँ, ये आपकी एल्युमिनियम में भी हो सकती है, कॉपर में भी हो सकती है, आप इसका ज़रूर ख्याल रखें। ये हमारी कॉइल जो होती है एल्युमिनियम कॉपर दोनों में होती है जी, ये जो कॉइल होती है हमारी एल्युमिनियम में भी हो सकती है और कॉपर में भी हो सकती है। तो इसको मैं साइड रखता हूँ, फिलहाल हम इस पर काम कर रहे हैं तो इसको समझते हैं। देख सकते हैं ये दोनों टर्मिनल हैं, अब स्टार्ट करते हैं लाइन कहाँ से इन होती है और कहाँ से आउट होती है, हम उधर से चलते हुए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है हमारा एसी का न्यूट्रल लाइन का और ये हमारा फ्यूज लगा है, यानी हम इधर से समझे तो टर्मिनल हमारा एक ये है और एक ये है। टर्मिनल को आप देख सकते हैं, एक टर्मिनल ये हो गया हमारा, एक टर्मिनल ये हो गया। तो जो ये टर्मिनल है हमारा, यहाँ से हमारा फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ से इधर लगा हुआ है फ्यूज, यानी हमारे टर्मिनल ये दोनों हो गए, ये लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो दोस्तों जो हमारा जो इधर का सेक्शन था, ये इस तरफ का सेक्शन, ये इसको हम फर्स्ट सेक्शन लेके चलते हैं, ये इसको मैं फर्स्ट सेक्शन बोलूँगा, इधर पूले वाले को सेकंड सेक्शन बोलूँगा। तो हमारा ये क्या होता है, जो न्यूट्रल और लाइन होता है फ्यूज के थ्रू, सीरीज में फ्यूज जुड़ा होता है लाइन पे, फ्यूज के थ्रू जो हमारा फर्स्ट सेक्शन का ब्रिज होता है, उसके मैंने आपको कई बार बता रखे हैं कि ये वाले पॉइंट हमारे एसी के होते हैं बीच वाले, और जहाँ ये कट होता है, जहाँ ये कट होता है ये वाला हमारा पॉजिटिव होता है, ये लिखा है, ये वाला हमारा निगेटिव होता है, ये दोनों एसी के होते हैं। तो हमारा क्या होता है, यहाँ से जो न्यूट्रल और लाइन जाती है, ये आप देख सकते हैं न्यूट्रल ये इधर से यहाँ चले गया, लाइन भी इधर से इधर चली गई, तो इसके बीच में जाता है ब्रिज के, और हमारा यहाँ से क्या निकलता है, डीसी वोल्टेज निकलता है। ये डीसी का ये वाला हिस्सा हमारा निगेटिव है, ये वाला हिस्सा हमारा पॉजिटिव है। तो देख सकते हैं ये वाला हिस्सा क्या है, हमारा निगेटिव है, और नीचे वाला हिस्सा हमारा ये पॉजिटिव है। तो देख सकते हैं, तो ये क्या होता है, ये निगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव में, तो आप देख सकते हैं जो हमारा हर सप्लाई में होता है, जैसे हमारा ब्रिज के बाद जब कैपेसिटर लगता है उसके बाद, तो देख सकते हैं यहाँ से ये आया कैपेसिटर की एक लेग ये है, और ये जो पॉजिटिव है यहाँ से, ये देखो ये इधर से ये जंपर पड़ा है, ये कॉइल है, ये देखो ये आपकी कॉइल का सिंबल बना रखा है, ये यहाँ से जंपर पड़ा यहाँ, और ये कैपेसिटर की लेग पर आया है, यानी ये हमारा कैपेसिटर लग गया है। ये हमारा 400 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, जहाँ पर 300 से 350 वोल्टेज हमें मिलते हैं ब्रिज के बाद। तो आप देख सकते हैं ये रहा वो हमारा एसी वोल्टेज यहाँ आ रखा है ये, और यहाँ से हमारा क्या हो रखा है कि ये हमारा डीसी वोल्टेज सीधे, ये जो माइनस वोल्टेज है वो कैपेसिटर पर आ रखा है, और जो प्लस वोल्टेज है यहाँ से इसकी पिन पर, कॉइल की इस लेग से सीधे यहाँ से निकल के यहाँ आ रखा है ये हमारी कॉइल थी, और ये हमारा डायरेक्ट आया था इसमें, इधर आया। तो ये हो गया हमारा ब्रिज के बाद सीधे कैपेसिटर लग जाता है, ये हमारा कैपेसिटर लग गया, क्योंकि वोल्टेज हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, प्योर डीसी नहीं होते हैं, एसी के कुछ गुण होते हैं, अंश होते हैं, जिसमें इसका साइकिल कुछ इस तरीके से होता है, अपर नीचे जैसे साइकिल होती है, लेकिन जब प्योर डीसी बन जाता है तो ये एक लाइन पर चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हम प्योर डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, 300 350 वोल्टेज हमें यहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे ब्रिज के बाद हमारा 300 350 वोल्टेज कैपेसिटर में जैसे ही प्रेजेंट मिलते हैं, तो जो हमारा प्रेजेंट मिलने के बाद फिर क्या होता है हमारा, ये देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो निगेटिव वोल्टेज है, ये यहाँ से जंपर पड़ा है यहाँ, ये देख सकते हैं ये यहाँ से जंपर पड़ा है इधर, ये निगेटिव वोल्टेज का यहाँ से जंपर पड़ा है इधर, ये जो जंपर पड़ने के बाद ये हमारा आईजीबीटी के एक पिन पर आके रुका है वोल्टेज, और जो आईजीबीटी का सेकंड नंबर की पिन है वो सीधे आती है हमारी ये कॉइल पर, ये जो कॉइल का टर्मिनल है इस पर आके रुका है।
अब कॉइल पर निगेटिव तो हमारा यहाँ से गया इधर, यहाँ से एक पिन पर आया और अगली पिन से यहाँ आ गया। और जो पॉजिटिव होता है हमारे पॉजिटिव, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो जम्पर पड़ता है यहाँ, और यहाँ से हमारा जो कैपेसिटर लगा था यहाँ से देख सकते हैं, ये तीन जम्पर और लगे हैं इधर, इनको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये तीन जम्पर और पड़े हैं इधर, इन जम्पर के थ्रू यहाँ आता है और यहाँ से आता है ये कॉइल पर। इस कॉइल पर आने आने के बाद ये हमारा जो कॉइल का दूसरा टर्मिनल है यहाँ पर आ जाता है, ये आप देख सकते हैं कॉइल का टर्मिनल हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो ये टर्मिनल आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया और इस पर हमारी कॉइल कनेक्ट होती है। ये हमें जो पॉजिटिव है ये देख सकते हैं, यहाँ से हमें डायरेक्ट मिला है कॉइल पर पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव के बीच में हमारा ये IGBT लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, जो निगेटिव के बीच में है हमारा IGBT, ये निगेटिव यहाँ से आया है और IGBT जो कॉइल का दूसरा सिरा है वो भी यहाँ से आया है, इनके बीच में ये लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो अब होगा क्या, इसके बीच में ये लगा हुआ है, यानी अगर ये निगेटिव वोल्टेज हमारा यहाँ टच हो जाता है तो हमारी कॉइल पे करंट पॉजिटिव और निगेटिव चले जाएगा, जिससे क्या होगा कि कॉइल हमारी मोटी होने के कारण हमारा यहाँ शॉर्ट सर्किट या फ्यूज व्यूज हो जाएगा, मतलब जो भी है सर्किट ब्रेक हो जाएगा, MCB ट्रिप हो सकती है, क्योंकि हमारा कॉइल पे पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्ट आएगा और यहाँ से अगर ये आपस में चिपक गया तो शॉर्ट होकर के निगेटिव भी आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसको डायरेक्ट कनेक्ट ना कर करके इस पर स्विचिंग करी जाती है, वो हमारी थर्ड नंबर की पिन है जो माइक्रो कंट्रोलर से स्विचिंग IC आती है। तो इन दोनों के बीच में जब स्विचिंग होती है तो पॉजिटिव वोल्टेज हमें डायरेक्ट मिलता है जी कैपेसिटर की पॉजिटिव से, और कैपेसिटर के निगेटिव से ये इसके पिन से यहाँ से निकलते हुए यहाँ आता है, इसके बीच में स्विचिंग होती है, जिससे हमारा क्या होता है कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड रख बन के जब इसके ऊपर बर्तन रखा जाता है तो बर्तन क्या हो जाता है, हीट होना शुरू हो जाता है। और हीट में जब हीट में क्या होता है, हमारा जो कॉइल होती है यहाँ पे कॉइल का कनेक्टर लगता है, इधर क्या होती है पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉइल हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जब बर्तन हम रखते हैं तो हीट उसकी अगर हम फुल में रखेंगे 1800 में तो हीट उतनी प्रॉपर ना हो पाए, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप एम्पियर ड्रॉप हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इसके पैलर में क्या होता है एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है, ये इस वाले कैपेसिटर को देख सकते हैं कॉइल के पैलर पर जुड़ा होता है। अगर आपकी कभी भी हीटिंग कम करे या बहुत ही स्लो करें तो आप इस कैपेसिटर को बदल सकते हैं, अंदर से फटा फूला या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, या हमारा IGBT भी ख़राब हो सकता है, इसकी स्विचिंग साइकिल जो है वो कम हो सकती हैं, या हमारा पल्स में कोई दिक्कत आ सकती है, ये दो तीन तरह की हैं फॉल्ट जिससे हमारी इंडक्शन में क्या होता है कि हीटिंग की प्रॉब्लम कम है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इधर का सेक्शन लगभग लगभग समझ ही गए हैं, ये आप देख सकते हैं 5 UF 400 वोल्टेज का ये कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं इसमें, और ये वाला हमारा 3.0.3 UF है, और इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी ये 630 वोल्ट इसमें दिया हुआ है। तो अब हम प्राइमरी को आप समझ चुके हैं कि प्राइमरी हमारी किस तरीके से वर्क करती है, AC हमारी सीधे यहाँ से घुसती है ब्रिज पे, ब्रिज से हमारा DC निकलता है, DC के बाद तुरंत हमारा एक कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ से देख सकते हैं ये कैपेसिटर, और पॉजिटिव होता है जो हमारा सीधे कॉइल पे गया होता है, निगेटिव जो होता है वो बाय जंपर के हमारा IGBT के एक लेग पर आके रुके रहता है, और IGBT का सेंटर लेग जो होता है कॉइल पे गया होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्विचिंग होती है, यहाँ जब पल्स आती है, जब हम इंडक्शन से बटन से कुछ इंस्ट्रक्शन इसको देंगे कि क्या हमने करना है, उस हिसाब से इसमें स्विचिंग होती है, कम ज़्यादा हीटिंग कितनी रखी है उस हिसाब से गर्म होता है। अगर गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, गर्म कम कर सकता है, तो ये कैपेसिटर आप चेंज कर सकते हैं, या IGBT ही चेंज करना पड़ेगा, या स्विचिंग में कोई दिक्कत होगी, ज़्यादातर फॉल्ट आपका ये IGBT और ये कैपेसिटर बदलने से ही आपका सॉल्व हो जाएगा हीटिंग कम की प्रॉब्लम पर, और बाकी जो कुछ परसेंटेज होगा वो आगे मदरबोर्ड में और कहीं ट्रेस कर करके तब आप उसे कवर कर सकते हो। तो अब क्या हो सकता है, अब मान लो कभी हम इसको अगर ये शॉर्ट हो जाता है, हम इन दोनों को कभी आपस में जोड़ दें, तो हमारा पॉजिटिव भी कॉइल को डायरेक्ट मिलेगा और निगेटिव भी डायरेक्ट मिलेगा, जब पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्ट चलेगा कॉइल स्विचिंग नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से DC वोल्टेज हमारा बाहर निकल रहा होगा, उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा वायर जो होती है पॉजिटिव निगेटिव जो कैपेसिटर की वायर है, ये आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर हमारा लग रखा है 300 350 वोल्टेज में ब्रिज के बाद, ये क्या होगी, इन दोनों को हम सोच लो ऐसे आपस में चिपका दे रहे हैं, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये चिपकाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो फ्यूज है ये फ्यूज टूट जाएगा,
फ्यूज टूट जाएगा, फ्यूज टूटने के अगर ये ना टूटे एमसीबी ट्रिप हो जाएगी या कुछ जला जुलू देगा, ऐसा कुछ दिक्कत इसमें आ जाएगी। अब मैं जैसे चेक करके दिखाता हूँ, ये हमारा फ्यूज है, फ्यूज हम देखते हैं ओपन है या नहीं है, ये कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यानी ये हमारा ओपन है। इसके ओपन का मतलब क्या है कि हमारा जब ये शॉर्ट होगा या ये शॉर्ट होंगे आपस में तभी हमारा ये ख़राब होगा। तो ज़्यादातर हमारे IGBT ही जाते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं ये शॉर्ट है। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ अगर क्वाइल लगे रहेगी तो ये तारें आपस में ही कनेक्ट मान लो, इन दोनों को आपस में कनेक्ट मान लो, तो यहाँ पे हमारा ये एक साथ टच हो जाएगा तो हमारा ये जाहिर सी बात है फ्यूज लाइन MCB कुछ ना कुछ ब्रेक होगा। तो जो प्राइमरी सेक्शन होता है दोस्तों उसका तो ये काम हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्शन की मोटे तौर पर। हमारा डायरेक्ट ये कैपेसिटर लगा होता है AC और DC में, ये वाला कैपेसिटर हमारा AC DC में लगा होता है। आप सुने जो हमारा इस वाले सेक्शन के लिए आता है, आप देख सकते हैं लाइन और न्यूट्रल से दो डायोड लगाए जाते हैं और उसके बाद हमारा लाइन न्यूट्रल से दो डायोड लगाने के बाद इसको सिंगल डायोड लगाने के बाद हमारा एक रेजिस्टेंस बना करके यहाँ पर हमारा वोल्टेज आता है 250-350 इसमें, और जो इसका निगेटिव होता है वो हमारा इसके निगेटिव से लिया जाता है। अब हम इसको भी ट्रेस कर लेते हैं कि इस पर हमारा वोल्टेज कैसे बनता है। आप देख सकते हैं ये हमारा एक ये देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये डायबोर्ड का सिंबल है, यहाँ से डायबोर्ड पड़ा यहाँ पर, और इस वाले से भी डायबोर्ड पड़ा हमारा ये, यहाँ से भी डायबोर्ड का सिंबल है यहाँ पर, और इन दोनों से डायबोर्ड पड़ा यहाँ पर, और यहाँ से जो रेजिस्टेंस पड़ी मोटी वाली है जो ये यहाँ पर पड़ी है, और ये हमारा मेन कैपेसिटर है, और जो इसका निगेटिव है आप देख सकते हैं, ये निगेटिव आपको आप ट्रेस करेंगे तो ये मोटी वाली लाइन है वो यहाँ आई है, और यहाँ से हमारा निगेटिव का जंपर पड़ा है यहाँ, ये यहाँ से जंपर पड़ा है यहाँ, यहीं से निगेटिव पहुँचा दिया इधर पे, यानी हमारा पॉजिटिव इन दोनों लाइनों से एक साथ मिला करके पॉजिटिव बनाया जाता है, और निगेटिव हमारा इधर का जो सेक्शन है फर्स्ट वाला उधर से निगेटिव ले लिया, क्योंकि पूरे बोर्ड का निगेटिव एक ही रहता है। तो जब यहाँ से कैपेसिटर में आ जाता है यहाँ पर को 250-300 वोल्टेज करीब, तो उसके बाद ये हमारी स्विचिंग IC इनबिल्ट MOSFET के साथ होती है। ऐसी IC को आप देख सकते हैं कि वो फ्री डिस होता है, जो टाटा का फ्री डिस होता है सप्लाई, वो टाटा का बोल रहा हूँ फ्री डिस जो सब वो होता है हमारा चैनल वाला छतरी, उसमें भी कुछ इस तरह का ही सप्लाई यूज करी जाती है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जब वोल्टेज आएगा ये हमारी IC, ये हमारा ट्रांसफार्म, इस पर स्विचिंग कर करके इसके आउटपुट पर दो डायबोर्ड लगे हैं, ये आपके दो डायबोर्ड लगे हैं, ये डायबोर्ड हैं आपके, एक 5 वोल्ट की सप्लाई है, एक 18 वोल्ट की सप्लाई है, और इसके इस तरफ भी देख सकते हैं एक डायबोर्ड लगा है, ये आपका जो पीछे का सर्किट है ऑक्सिलरी वाइंडिंग चलाने के लिए डायबोर्ड लगा हुआ है, ये डायबोर्ड, ये कैपेसिटर। अब क्या होता है कि हमारा यहाँ से 5 वोल्ट 18 वोल्ट निकलते हैं, 5 वोल्ट हमारा मेन IC को भी जाता है और यहाँ पर भी आता है जो हमारे फ्रंट पैनल को जाता है। 18 वोल्ट होते हैं जो फैन तक ही जाते हैं हमारे, ये फैन के यहाँ पर हमारा 18 वोल्ट पहुँचता है। तो 5 वोल्ट हमारा ये इधर का जो फंक्शन चलाने के लिए उसके लिए वर्क करता है, और 18 वोल्ट यहाँ पर हम फैन जोड़ते हैं उसके लिए वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारे दो डायबोर्ड लगे हुए हैं, तो ये दो डायबोर्ड हमारे लगे हुए हैं, और ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है एक 18 वोल्ट पर और एक 5 वोल्ट पर, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ये देख सकते हैं कि 5 वोल्ट हमारा इधर आ गया है, ये, और ग्राउंड हमारा बैक वो फ्रंट पैनल की तरफ जाएगा और वहां से हमारे डिस्प्ले पर लाइट आ जाएगी। तो हमारे कुछ इस तरीके वोल्टेज बनते हैं। अब मैं बहुत ही जानकारी वाले टिप्स से बता रहा हूँ, जो लोग इसे रिपेयर करते हैं उनके स्तर से क्या होता है कि इसमें आप 2-3 तरीके की रिपेयरिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारा ये वाला सेक्शन कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, हमारा ये तो शॉर्ट होता है, ये भी शॉर्ट होता है, यहाँ का तो आप IGBT ये सब यही शॉर्ट होते हैं ज़्यादातर,
लेकिन कई जगह क्या होता है, ये आईसी फट जाती है या यहाँ पे का एरिया जल जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको किस तरीके से रिपेयर करें? तो उसको रिपेयर करने के लिए या तो आप यहाँ पे मॉड्यूल लगा सकते हैं, जो आपका 5 वायर का मॉड्यूल आता है, ड्रेन होता है उसमें, स्टार्ट होता है और फीडबैक होता है, ग्राउंड होता है, सप्लाई होती है, उस तरीके के मॉड्यूल को लगा सकते हैं। वो मेरे पास है नहीं अभी, जब होगा तो मैं उस तरीके से आपको बता दूंगा। अगर आपको वो भी लगाना नहीं आता है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करें, आप उस केस में क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पे 18 वोल्ट और 5 वोल्ट चाहिए होते हैं, या तो आप 18 वोल्ट का कोई अडेप्टर लेकर के वहाँ यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और उसमें 7805 लगा के आप 5 वोल्ट के कैपेसिटर के आगे भी, जो जो डायोड लगा है इसकी सप्लाई के आगे भी जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पर आप 5 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ये इस पिन पर भी 5 वोल्ट डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 5 वोल्ट के लिए ही बनी है। और 18 वोल्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी इसकी पीछे से सप्लाई देखेंगे 18 वोल्ट की, वहाँ पे 18 वोल्ट, 18 वोल्ट का आप एडाप्टर ले लेना, जो हमारे सेटअप बॉक्स के अगैरह वगैरह के कई चीज़ों के आते हैं, 1 एम्पियर में ले लेना, उसके आसपास आधा एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 0.7 एम्पियर, कुछ भी हो उसके 1 एम्पियर के आसपास आप ले लेना 18 वोल्ट का, 7805 लगा करके आप उसको कनेक्ट कर देना। वैसे तो 7805 जहाँ तक है ये लगाई है, मैं इस पर आपको नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ या मैं ही देख लेता हूँ, ये इस पर लगा हुआ है दोस्तों, अगर आपको दिखता है तो ये 7805, यानी इसकी एक पिन पर 18 वोल्ट इन हो रहा है, दूसरे पिन से आपका 5 वोल्ट आउट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आउट लिखा है, ये ग्राउंड लिखा है, ये इन लिखा है, यानी 18 वोल्ट यहाँ से इन हो रहा है, ये ग्राउंड हो गई, यहाँ से 5 वोल्ट आउट हो रहा है। तो केवल आपको 18 वोल्ट की सप्लाई देनी है, बस हो गया, क्योंकि इसके आउटपुट में जो भी इसका ट्रांसफार्मर है, ये आपकी देख सकते हैं दो ही लगे हैं, ये यहाँ से एक लेग से आपका ये डायोड लग करके यहाँ आया है, और ये वाला पिन आपका पूरा का पूरा ग्राउंड है। आप ये देख सकते हैं यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये आया, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है वो ग्राउंड है। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से ये गया, और ये हमारा सीधे वही लगा है 3 पिन का, ये 18 वोल्ट इन हुआ, ये आपका ग्राउंड हुआ, ये 5 वोल्ट आउट हो गया। तो केवल हम इस डाले डायबोर्ड के यहाँ पे इसको यहाँ से अगर ये शॉर्ट है तो उखाड़ दें, नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दें, या इस डायबोर्ड को उखाड़ करके यहाँ पे 18 वोल्ट का जम्पर लगा दें आप, ये यहाँ पर आप जैसे ही 18 वोल्ट का जम्पर आप लगाएंगे, तो आपके 5 वोल्ट अगैरह वगैरह वोल्ट आपके निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।